लिए मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ राज कुंद्रा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा खास शो एंटरटेनमेंट की दुनिया में उभरते हुए सितारों की। और आज जो हमारे साथ उभरते हुए सितारों की बातचीत करने के लिए अमृत राजी, जो कि इंडिया पेज 3 एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन के टॉप मॉडल भी हैं और क्या क्या करते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहले तो आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपने क्या क्या किया है। सर, स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने दिल्ली आने के बाद जब मुझे इस फील्ड में जाना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑडिशन दिया मॉडलिंग में। और फिर उस ऑडिशन क्रॉस करने के बाद जब मैं ऑडिशन क्लियर कर लिया तो फिर मैंने एक यूट्यूब की एल्बम शूट की एंड फिर कुछ प्रिंट शूट हो गए जस्ट लाइक एज अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज, स्नैपडील और काफ़ी सारे प्रिंट शूट मैंने करा अप्रॉक्स 1 and 2 months। डेट्स उसके बाद फिर जाके मैंने एक टीवीसी एड प्रिंट शूट करा। कहते हैं कि अमृत राजी की इस लाइन में जो है, इस फील्ड में सफलता बड़ी जल्दी नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं या क्या? नहीं, एक्चुअली सर, प्रॉपर बात क्या होता है कि आप अगर अपना 101% देते हो तो सामने वाला आपके कैपेबिलिटी और आपके अंदर की जो छुपी हुई जो अंदर आपकी जो पावर है वो देखने के बाद फिर आपको उस मतलब अपने शोज में हो गए जस्ट लाइक जैसे मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर में मुझे इनवाइट किया गया। मैं काफ़ी 3-4 शोज किया हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ज्यूरी ऑफ मेंबर्स जस्ट लाइक ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया था फेम फॉर फ्यूचर, उसके बाद फिर मैंने किया द गिनी फैशन शो राइजिंग स्टार ऑफ दिल्ली जिसमें मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के थ्रू बुलाया गया था और मुझे जाने माने सितारे मुश्ताक खान के तरफ से मुझे अवार्ड मिली। एंड फिर जाके फिर अभी हाल फिलहाल मैंने इंडिया पेज 3 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन के टॉप मॉडल्स में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ और काफ़ी खुशी होती है अपने, मैं अभी इस इतनी छोटी उम्र में इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, तो जो भी है बस अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मैं ऊपर जा रहा हूँ। अमित राज जी, कहते हैं हमारे देश में आज भी जो माँ बाप होते हैं उनकी धारणा होती है कि इस फील्ड में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, तो आप अपने क्या फैमिली सपोर्ट करते हैं आपको इन चीज़ों के लिए? नहीं, एक्चुअली सर मेन बात ये है कि पैसे तो सब जगह लगते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री लाइन हो या बिजनेस पर्पस हो, जहाँ भी हो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। बट मेरे फैमिली वाले एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे भी मैं बिहार से हूँ, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, एक मुरलीगंज एक टाउन है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फैमिली वाले मैं क्या बताऊँ, मेरे पापा जब हम सभी भाई बहन और मम्मी पापा सब बैठ के जब टीवीज देखा करते थे तो मेरे पापा बचपन में मुझे एक बात हर वक्त कहते थे कि तुम्हें मन नहीं करता है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, या तो सिंगिंग का शो होते रहता था या डांसिंग का शो होता था, तो उस टाइम मैं अपने शर्ट जो है बस शर्म के कारण नीचे कर देता था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इस लायक हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप के बदौलत हूँ, क्योंकि अगर उनके तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं जा पाता, और उनके तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद फिर मैं अपने सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर राकेश रोशन, जिसके प्रोडक्शन हाउस से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड को दलदल समझते कि नहीं यहाँ जाना बेकार है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहना है कि मैं भी तो अभी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी रियलिटी शो टीवीज़ पे आए, और अभी तो मैं दिल्ली में ठीक ठाक सपोज दैट हो जाए तो मैं एक ज्यूरी ऑफ ऑनर में या गेस्ट ऑफ ऑनर में मैं इनवाइट हो जाता हूँ। अमित राज जी, कहते हैं कि ये जो है फील्ड एक दलदल है, आपका क्या मानना है इसके बारे में? सर, आपका कहना सही है, ये फील्ड एक दलदल है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उतना ज़्यादा ये आप इसे दलदल नहीं कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में कितना मेहनत करते हो, अपना नाम कमाते हो, आप कितना मेहनत दिन रात एक करके इस फील्ड में जाने के लिए प्रैक्टिस करते हो। और जहाँ तक बात रहेगी पैसों की, तो इस फील्ड में ज़्यादा पेमेंट नहीं लगते हैं, वो तो डिपेंड करता है वो प्रोडक्शन हाउस वाले के ऊपर कि आप कैसे प्रोडक्शन हाउस वाले से अटैच्ड रहते हो, बट एज अ नॉर्मल कम पैसे में आप इस फील्ड में जा सकते हो। अमित राज को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले इंडिया पेज 3 के डायरेक्टर राकेश रोशन भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंडिया पेज 3 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन जो है, इसमें हम हर एक साल या 6-6 महीने में टॉप मॉडल्स को रिलीज करते हैं मार्केट में, और उसके बाद उनको हम एल्बम सॉन्ग से लेकर रियलिटी शो सीरीज तक पहुंचाने की कोशिश रहती है पूरी हमारी। और प्लस हम एक शो भी लेकर आने वाले हैं जो दिल्ली गॉड गिफ्ट रतन अवार्ड सीजन 2
रियलिटी शो सीरीज है जो नेशनल टेलीविजन पे देखने को मिलेगा, जिसमें ये हमारे प्रोमो शूट में है और प्लस पूरे शो में है। धन्यवाद आप दोनों जो हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे इस खास शो में आप लोगों ने हिस्सा लिया। थैंक यू। तो ये थे दिल्ली के उभरते हुए सितारे जिनसे आज हमने बातचीत किया। इसी तरह के उभरते हुए सितारों से बातचीत करने के लिए देखते रहे मोबाइल न्यूज 24 राज कुंडल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग एक कॉकटेल पार्टी में हैं। दिल्ली में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें आप देख रहे हैं इसके ऑर्गेनाइजर साहिल जी हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ मॉडल्स को भी आप देखेंगे यहाँ पर। ये लोग एक पार्टी कर रहे हैं, क्या है इस पार्टी का मेन मोटो और इसमें पेज 3 के कुछ सेलिब्रिटीज हैं और इस पार्टी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे साहिल। साहिल जी, किस लिए ऑर्गेनाइज हुई है ये पार्टी? गुड इवनिंग एवरीवन, साहिल सोंदी नाम है मेरा। हमारे ग्रुप्स हैं हैंगओवर नाइट्स एंड किंग्स एंड एंजल्स के नाम से, जिसमें हर तरह का मेंबर है, मीडिया से फैशन, मॉडलिंग, पेस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट, एंकर्स, होस्ट, सिंगर्स, सेलिब्रिटीज, हर तरह का इंसान है उसके अंदर। तो हम उनके गेट टुगेदर के लिए हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरह की पार्टी जब ऑर्गेनाइज होती है और एक तरह से कहते हैं कि सेलिब्रिटी मॉडल ये लाइन जो है कहा जाता है एक तरह से कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आपको कुछ करने के लिए, आपको एक सेलिब्रिटी बनना है तो उसके लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड सही होना चाहिए, फाइनेंशियल मजबूत होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? ये जो है आप जो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। सबसे पहले तो चाहिए इसमें टैलेंट, फेस, लुक्स। एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये लेडी बैठी है, ये बड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, मीडियम फैमिली से, आज ये अपने दम पर करोड़पति हैं। इसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, नॉर्मल था, आज अपने दम पे खड़ी है, कमा रही है, खा रही है और आपके सामने बैठी है। क्या कहेंगे आप जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं एज अ मॉडल बनके, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? ये जो हमारी बबीता जी बैठी हैं हमारे साथ, ये शोज करती हैं, शो ऑर्गेनाइजर हैं, ये फैशन शोज करती हैं, इवेंट्स करती हैं और पेजेंट्स करती हैं। तो इस तरह के जो पेजेंट्स होते हैं, आप जाइए उनमें ऑडिशन दीजिए, ठीक है। ऑडिशन की फीस ज़्यादा नहीं होती है, एक फीस का 1500 या 2000 फीस होती है उसकी। आप वो ऑडिशन दीजिए, आप वहाँ पे पास होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप में टैलेंट होगा तो। देखा आपने, साहिल जी बबीता जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, बबीता जी से भी रूबरू होंगे। बबीता जी क्या हैं, क्या करती हैं और किस तरह से आज इस मुकाम पर हैं? बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़। हाँ, मैं बबीता चौधरी, मिसेस जाली, मैंने लास्ट ईयर किया था, मिसेस इंडिया करा लास्ट ईयर और मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स स्टाइल आइकन भी हूँ। एज ए मॉडल, एज ए हाउस मेकर मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैंने अपनी मतलब इसमें इतना स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन स्ट्रगल है क्योंकि मैरिड वुमन के नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। नए टैलेंट को भी इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि एक मैं अपनी एक अपने अपने हिसाब से बताती हूँ, एक लेडी जो होती है, मतलब मैं मैरिड हूँ तो उस हिसाब से मैं अपने घर को भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, फैमिली को भी देखती हूँ, सोशल वर्कर भी देखती हूँ, मैं एक मॉडल भी हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने को हर तरह से सार्थक करना चाहिए एक औरत को। अभी तक क्या क्या किया है, आगे क्या करने जा रहे हैं, कौन से शोज़ आपके आने वाले हैं उसके बारे में? शोज़ हमारे, देखो मैं शूट्स वगैरह मैं करती रहती हूँ, शोज़ अभी हम एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं 24th को, जिसमें हमारे मुंबई से सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं और ठीक है, मेरे को वर्क मिलता रहता है, मैं करती रहती हूँ। क्या संदेश रहेगा इस पार्टी से आपका? पार्टी का संदेश यही है कि मेरा हमारा मेन मोटिव है गैदरिंग, अच्छे लोगों की गैदरिंग, अच्छा एंजॉय करना, क्योंकि घर में आजकल इतना मतलब देख रहे हैं कि कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऑफिस से, घर से, बच्चों से, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे आके लगता है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करें। और मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ जितने पार्टी में आते हैं सब बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं। हेलो, माय नेम इज़ राकेश रोशन, एक्टर एंड मॉडल एंड न्यू फेस इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। और आज जो है साहिल सर ने और बबीता चौधरी मैम ने जो आज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि अगर पेज 3 को एक इंक्लूड करके रखते हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स को ये प्रमोट करते हैं, जैसे कि पार्टी में बहुत कमी मतलब ऐसे चांसेस मिलता है कि लोग आए और इन्जॉय करें, बट ये इन्जॉय से ज़्यादा जो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो नए नए मॉडल्स हैं, नए नए मॉडल्स को प्रमोट भी करते हैं, प्लस सिर्फ मॉडल्स को ही नहीं, बहुत इनके लिंक्स जो हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे अगर मैं जी म्यूज़िक की बात करते उन बच्चों को वहाँ पर भी काम भी देते हैं। तो इस तरीके ये पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग आज, और इस पार्टी में मैं भी इन्वाइटेड था और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज मतलब साहिल सर ने मुझे इन्वाइट किया है।